कैसे हैं गाइज आप लोग, उम्मीद है आप सब जिंदा होंगे। मैं भी यहाँ जिंदा हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग गेम खेलने वाले हैं पीके गेमर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कस्टम खेलने वाले हैं और इसमें दूसरी तरफ है पीके गेमर्स और एक तरफ है नाइल क्रश गेम्स और माफिया बॉयज़। तो माफिया बॉयज़ और नाइल क्रश गेम्स दोनों एक साथ खेल रहे हैं और पीके गेमर्स की जो टीम है वो दूसरी तरफ है। तो आई होप कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोग जो आवाज़ रोज़ सुनते थे ये वो आवाज़ नहीं है। एक्चुअली ये मेरी आवाज़ है। मेरा नाम है अतुल शर्मा और पहले आप जो आवाज़ सुनते थे वो थी मेरे छोटे भाई की। तो वो इस वीडियो में कमेंट्री नहीं करना चाहता है गाइस। एक्चुअली ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। हालांकि ये जो गेम आप देख रहे हो इस वक्त वो उत्तम की ही गेम है। जी हाँ, मेरे छोटे भाई का नाम उत्तम है तो ये उसी की गेम है, बट वो कमेंट्री नहीं करना चाहता है इस गेम में। आप लोग बस देखते जाओ और आप लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइस ये जो फर्स्ट वाला राउंड था ना गाइस, इसमें उन लोगों ने हमें मतलब हमने इस तरह की मुक्की खाई कि हम लोग उठ नहीं पाए और ये राउंड तुरंत ख़त्म हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा बट कोई बात नहीं, देखते हैं अब अगले राउंड में क्या होता है। तो राउंड टू यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और हम आ चुके हैं सेंटोसा में। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ। और उत्तम इस वक्त ले रहा है MP40। ओके MP40। एक्चुअली मुझे गन्स के नाम यहाँ पे याद नहीं रहते हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर कंप्यूटर गेम्स खेलता हूँ, फ्री फायर वगैरह खेलता नहीं हूँ। तो बट मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भी फ्री फायर ज़्यादा खेलूँ थोड़ा, क्योंकि जो फार क्राई की वीडियो है यार उसमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप लोग। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली फार क्राई की, उसमें व्यूज़ ही नहीं आए। तो कोई बात नहीं, खैर अब देखते हैं इस गेम में आगे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चारों जिंदा हैं और मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ गाइस, लेट मी टेल यू। मैं इस वक्त पीछे से घूम कर जाने की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों को पीछे से जाकर मार दूँ और वो लोग ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब गेम की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके उत्तम ने यहाँ ग्लू वॉल लगाया और सामने आई थिंक पता नहीं कौन है। इन लोगों का ड्रेस भी अलग था। ओके शायद ये करण था गाइज। ओके तो इन्होंने फिर से हमें मार दिया है और देख सकते हो। ओ हाँ गाइज एक बात मैं भूल गया, ये पिछले वाले राउंड में मैंने प्रवेश को मार दिया था और वहाँ पे बस तीन ही लोग बचे हुए थे, तो उन्होंने फिर हमें मार दिया और सेकेंड राउंड भी हम लोग डिफीट हो गए। तो कोई बात नहीं, अब फाइनली थर्ड राउंड शुरू हो गया है और इस वक्त आ चुके हैं हम लोग मिल पर। मिल बहुत ही धांसू जगह है गाइज, और यहाँ पे डिसएडवांटेज हम लोग को ये मिला कि हम लोग नीचे साइड है और वो लोग ऊपर साइड है, तो उन लोगों का ड्रैग बहुत ज़्यादा अच्छा से लगता होगा हेडशॉट। तो मैं जा रहा था उस साइड गाइज, मैं सोच रहा था कि साइड से जाकर उन लोगों को मार दूँ, बट अचानक से मुझे प्रवेश ने एक हेडशॉट मारा और मैं वहीं पर घायल हो पड़ा। और पता नहीं इस वक्त ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है ये। वो आकिब भैया और बिलाल भैया उस ओर लड़ रहे हैं अकेले और ये पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है। ये यहाँ पे अपना ग्लू वॉल लगा रहा है और वेस्ट कर रहा है, आई डोंट नो, बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी इसे। अगर वो खेलता तो डेफिनेटली उन लोगों के हारने के चांसेस थे, बट कोई बात नहीं, ये थर्ड राउंड भी हम लोग हार गए। और ये जो राउंड है ये हम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हार रहे हैं। आई मीन बच्चों को एक खिलाना होता है तो उस तरह की चीज़ हमारे साथ हो रही है। हम लोगों के साथ यहाँ पे गेम खेला जा रहा है गाइस, बच्चों की तरह हमारे साथ गेम खेला गया इस राउंड में। और इसी के वजह से उत्तम ने यहाँ इस गेम के ऊपर कमेंट्री नहीं की और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्री ज़रूरी थी, क्योंकि कमेंट्री जो है वो गेम को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो अब फाइनली आ चुके हैं हम लोग शिपयार्ड में और ये फोर्थ राउंड चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। और हाँ गाइज आप लोग एक बार कमेंट में करके बताना कि आप लोगों को मेरी कमेंट्री ज़्यादा अच्छी लगी या फिर उत्तम की चली आ रही कमेंट्रीज ही अच्छी लगती हैं आप लोगों को। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके उत्तम साथ वहाँ पे फायरिंग हो रहा है गाइज और मैं वहाँ पे फिर से नॉक हो गया हूँ। जी हाँ, आप जो यहाँ पे फोर्थ नंबर का प्लेयर देख रहे हैं वो मैं हूँ ऋषभ, और आकिब भैया अभी मर चुके हैं गाइज। ये रहा प्रवेश और प्रवेश ने उत्तम को नॉक कर दिया, और बाकी करण भैया
और वो लोग ओके, तो फिर से ये मैच हम लोग हार गए, 4th डिफीट था ये हमारा, बट कोई बात नहीं, अब और चलो आगे चलते हैं। अब ये 5th राउंड है इस गेम का और हम लोग आ चुके हैं ऑब्जर्वेटरी में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो उत्तम यहाँ पे MP40 और ग्लू वॉल वगैरह लेकर है रेडी, और इसने रिपेयर किट भी ले लिया है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है गाइज, हमने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग पीछे से घूम कर जाएंगे। एक्चुअली सिर्फ मैंने ही बनाया था वो स्ट्रैटेजी, बट क्या हुआ कि इसमें मैं आगे गया और बाकी उत्तम पीछे आ गया, और बाकी मैंने कहा था बिलाल भैया और आकिब भैया को कि भैया आप लोग सामने से जाइए, बट वो लोग भी आ गए शायद, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे करण ने मुझे तुरंत नॉक कर दिया गाइज। मैं बस जा ही रहा था और वो अचानक से मेरे सामने आ गया और उसने मुझे नॉक कर दिया और बस यहाँ पर मैं मर गया। बट उत्तम यहाँ पर ठीक ठाक खेल रहा था, अच्छा डैमेज दे रहा था ये बच के, बट ऊपर से गाइज शायद कोई आ गया था यहाँ पर। ओके देखते हैं, ओके साइड से एक और प्लेयर आ रहा है, उसको हम लोग मार देते हैं, वो मरा नहीं। और देखो ऊपर से डैमेज मिला गाइज हमें, ऊपर से करण ने हमें डैमेज दिया, और बस यहाँ पे फिर से उत्तम का खेल ख़त्म हो गया और यहाँ पे पूरी टीम फिर से हार गई गाइज। ये 5वां डिफीट है और इस वक्त इस गेम प्ले को दिखाते हुए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फालतू गेम प्ले रहा हमारा। बट फिर भी हमने पीके गेमर्स के साथ कोलैब किया यहाँ पर, और क्योंकि आप लोगों को बता दूं गाइज कि वो लोग बहुत लंबे अरसे से खेलते आ रहे हैं, तो उन लोगों का जो स्किल है यहाँ पे गेम खेलने का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग आ चुके हैं कटिल स्टुआ में, और यहाँ पे फिर से मैं वही स्ट्रैटेजी अपनी घूम के जाकर मारने वाली स्ट्रैटेजी करना चाह रहा था, बट देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। उत्तम पता नहीं यहाँ पे साइड पे क्या कर रहा है। ओके तो इसने ग्लू वॉल लगा दिया यहाँ पे और वो लगातार आगे बढ़ रहा है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही धुएँदार फायरिंग शुरू हो गई है, देख सकते हो ये रहा, आई थिंक ये आई डोंट नो गाइज, ये सब एक जैसे ड्रेस पहने हुए हैं और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या है, कौन कैसे खेल रहा है, आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड। ओके तो ये 6th राउंड था और ये भी हम लोग हार गए। अब देखते हैं, ये लास्ट मैच है गाइस, ये लास्ट मैच है और यही मैच का पॉइंट है, तो देखते हैं क्या हम लोग ये मैच जीत पाएंगे या नहीं। तो चलिए, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लास्ट में बहुत ही मज़ा आ गया था हमें। तो उत्तम यहाँ से अंदर से घूम कर जा रहा है और वो लोग क्या है गाइस, उन लोगों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोग इस तरह से खेलते हैं कि जो प्रवेश और करण है वो लोग सामने से आते हैं, एक बंदा उनका पीछे से स्नाइपिंग करता है या फिर कोई भी असॉल्ट राइफल से फायर करता है, और एक जो चौथा बंदा होता है गाइस वो उन लोगों का पीछे से घूम कर आता है और हमें बहुत गंदा वाला डैमेज देता है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी के चलते वो लोग हर गेम जीत गए थे। तो ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली मैंने ध्यान लास्ट वाले गेम पे दिया, लास्ट वाला जो मैच चल रहा था तब मैंने ये स्ट्रैटेजी पर ध्यान दिया गाइस। तो अब देखते हैं क्या है, और उत्तम यहाँ पे नॉक हो गया है। तो वो लोग गाइस बहुत ही गंदा वाला हेडशॉट पे हेडशॉट मार रहे थे और हम लोग बहुत ही गंदी तरह डैमेज हो रहे थे। यहाँ बिलाल भी अकेले पड़े हुए हैं और इन्हें नॉक कर दिया गया है, और बट इनके पास जो है ये वाला किट है तो ये मार रहे हैं उसको, और जैसे ही ये उठे गाइस इन लोगों ने चारों ने मिलकर उन्हें मार दिया और बस ये गेम ख़त्म हो गई। तो आई नो कि हमने अच्छा नहीं खेला, ये गेम हमारा अच्छा नहीं रहा गाइस, बट फिर भी हमने एक ट्राई किया और ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये ट्राई आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।